दोस्तों, बैटल ऑफ तलीकोट 23 जनवरी 1565 को विजयनगर साम्राज्य और डेक्कनी सल्तनत के अलायंस के बीच में लड़ी गई एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी। दरअसल आलिया रमाराय की हार के कारण इवेंचुअली विजयनगर एम्पायर पॉलिटिकली डिक्लाइन होने लगा और दक्कनी सल्तनत को फिर से संगठित होने का एक मौका मिल गया। हालांकि इस लड़ाई से संबंधित सूत्र काफी कंट्रोवर्शियल रहे, लेकिन विजयनगर की हार का सबसे बड़ा कारण मिलिट्री एक्सपर्टीज यानी सैन्य कौशल संबंधित बताया जाता है। आइए दोस्तों, इस बैटल के बैकग्राउंड को देखते हैं। विजयनगर शासक के रूप में गद्दी संभालने के बाद रमाराय ने अपने किंगडम को एक्सपेंड करने के लिए एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाई। दरअसल बहमनी सल्तनत के मल्टीपल सक्सेसर्स के बीच वायलेंट वॉरफेयर चल रहा था। इस सिचुएशन का लाभ उठाते हुए रमाराय ने एक राजनीतिक रणनीति अपनाई, जिससे लगभग 20 वर्ष तक उसे काफी फायदा हुआ। डेक्कन के अहमदनगर, बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा के सुल्तान कल्याण पर नियंत्रण पाने के लिए आपस में लड़ रहे थे। पास्ट हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंसेस के कारण ये फाइटिंग चल रही थी। दोस्तों, 1562-63 में अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह ने अपनी बेटी बीबी जमाली को गोलकुंडा के इब्राहिम कुतुब शाह के साथ शादी करने की पेशकश की थी। इस प्रकार दोनों ने सहमति व्यक्त की कि विवाह कल्याण में आयोजित किया जाना चाहिए, जो उस समय बीजापुर के आदिल शाह के नियंत्रण में था, जिसने इसे पहले बीदर के सुल्तान से लिया था। इस कारण चारों सुल्तानों के बीच सीरीज ऑफ बैटल चले और आखिर में 1564 में डेक्कन के सुल्तानों ने हाथ मिला लिया और अपना फोकस रमाराय के राज्य यानी विजयनगर की तरफ कर दिया। चारों ने मिलकर रमाराय की सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 23 जनवरी 1565 को कर्नाटक के बीजापुर से लगभग 85 किलोमीटर दूर तल्लीकोटा के युद्ध में रमाराय का सर धड़ से अलग कर दिया गया था। आदिल शाह, जिसके राय के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, उसका बीहेडिंग का कोई इरादा नहीं था। खैर, लड़ाई के दौरान कंफ्यूजन और हेवॉक के चलते राय का भाई तिरुमला पूरी सेना के साथ मैदान छोड़कर भाग गया। उसने विजयनगर में फिर से रीग्रुप करने की कोशिश की, लेकिन वो इस कोशिश में असफल रहा और आउटस्कर्ट्स की ओर मूव कर गया। उसके दूसरे भाई को अंधा कर दिया गया था एंड लाइकली उसे इसी लड़ाई के समय मार भी दिया गया था। Aftermath of the Battle of Tallikota. Historical records बताते हैं कि Battle of Tallikota के दौरान मालिक ए मैदान यानी Master of the Field नामक कैनन, जिसे दुनिया में कास्ट ब्रॉन्च ऑर्डिनेंस का सबसे बड़ा पीस माना जाता था, उसका उपयोग डेक्कन सल्तनतों के द्वारा किया गया था। ये बीजापुर सल्तनत के आली आदिल शाह फर्स्ट के द्वारा प्रदान किया गया था। जीत के बाद सल्तनत की सेनाओं ने कोई अपोजिशन फेस किए बगैर विजयनगर को लूटना जारी रखा। कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट ने विजयनगर राज्य को शहर के साथ कंबाइन करने के खिलाफ चेतावनी दी है, क्योंकि रॉयल सेंटर के बियॉन्ड किसी भी नुकसान के बारे में बहुत कम सबूत मौजूद है। वो विनाश और आगजनी के पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक नेचर के बारे में जोर देते हैं, क्योंकि संप्रभुता यानी सॉवरेंटी, शाही शक्ति यानी रॉयल पावर और अधिकार यानी अथॉरिटी से जुड़े स्थल को ही अधिक प्रचंड यानी क्रूएल तरीके से बर्बाद किया गया था। बहरहाल, इस लड़ाई ने विजयनगर राज्य के लिए एक राजनीतिक दरार पैदा कर दी और डेक्कन की राजनीति को स्थायी रूप से फिर से संगठित कर दिया। स्मारकों और मंदिरों को संरक्षण बंद कर दिया गया, वैष्णव कल का नाश हो गया और रॉयल सेंटर का पुनर्निर्माण कभी नहीं हुआ। बीजापुर सल्तनत ने अधिकतम लाभ प्राप्त किया, लेकिन उनका गठबंधन लंबे समय तक नहीं चला। तिरुमाला ने अराविडु डायनेस्टी की स्थापना की, जिसने अर्स्टवाइल एम्पायर के टुकड़ों पर अधिकार कर लिया और यहाँ तक कि पेनगोंडा में शिफ्ट होने से पहले 2 साल के लिए विजयनगर से बाहर से भी ऑपरेट करता रहा। लेकिन लगातार विवादों, कई स्थानीय सरदारों, मुख्य रूप से तेलुगु नायक हाउसेस द्वारा विद्रोह और बीजापुर सल्तनत के साथ निरंतर संघर्ष के कारण ये 1640 के दशक के अंत में डिसइंटीग्रेट होने से पहले दक्षिण की ओर चला गया। एनालिसिस ऑफ द डिफीट ऑफ द विजयनगर एम्पायर। दोस्तों, भारतीय इतिहास के एक सर्वे में बताया गया है कि विजयनगर पक्ष युद्ध जीत रहा था, जब तक कि विजयनगर सेना के 2 मुस्लिम जनरल्स ने पक्ष बदल नहीं लिया। हालांकि कई स्कॉलर्स इस अकाउंट ऑफ ट्रेजरी को रिजेक्ट करते हुए कहते हैं कि मिलिट्री पावर में मोस्ट डिफरेंसेस, मुख्य रूप से गन पाउडर टेक्नोलॉजी को शामिल करने में विजयनगर की विफलता उसकी हार का कारण बनी। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। रॉबर्ट सीविल, जोनाथन स्काउट और अन्य कॉलोनियल एरा हिस्टोरियंस ने हिस्टोरियन फिरिश्ता के अकाउंट्स के आधार पर और साथ ही अलूरू वेंकटराव, एश कृष्णस्वामी अय्यंगर और अन्य नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने इस बैटल को हिंदू वर्सेस मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट बताते हुए क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का नाम दिया था।
वहीं अमेरिकन हिस्टोरियन रिचर्ड एम ईटन बैटल के पीछे रिलीजियस मोटिव्स को रिजेक्ट करते हैं। रोमिला थापर, बर्टन स्टीन, संजय सुब्रमण्यम, मुजफ्फर आलम, स्टेवर्ट एंड गॉर्डन और अन्य स्कॉलर्स भी सिमिलर एनालिसिस पर अग्री करते हैं। इनफैक्ट दोस्तों, साम्राज्य में हारमोनियस हिंदू मुस्लिम रिलेशंस को डॉक्यूमेंट किया गया है और विजयनगर दरबार में हाई पोजीशंस पे कई मुस्लिम्स को नियुक्त भी किया गया था। तो दोस्तों, ये था बैटल ऑफ तल्लीकोटा। होपफुली आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही इम्पोर्टेंट हिस्टोरिक बैटल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। एंड यस, हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।